साहब अदालत सूबे वज़ीर जाम खान शोरो की गिरफ़्तारी के अगवारी ज़मानत मंजूर कर वरती। अदालत नैब रेफरेंस में जाम खान शोरो की 5 लख रुपये के मचलकन एवज 4 दिन के लिए ज़मानत मंजूर कई है। हैदराबाद की एहतसाब अदालत सूबे वज़ीर जाम खान शोरो की गिरफ़्तारी के अगवारी ज़मानत मंजूर कर वरती है। तफसील मालूम किया था टाइम न्यूज़ हैदराबाद के रिपोर्टर इम्तियाज खोसो का। इम्तियाज छा तफसील है नवा वटि नैब रेफरेंस में जाम खान शोरो की 5 लख रुपये के मचलक ने बस 4 दिन के लिए जमानत मंजूर थी है। बिल्कुल मेहताब, हैदराबाद में कायम हिसाब अदालत 20 एकड़ सरकारी जमीन का खाता पेंे नाले कराने वाले नैब रेफरेंस में सूबाई वजीर आबपाशी जाम खान शोरो की गिरफ्तारी का अगवारी जमानत मंजूर कर छी है। अज आबपाशी वो सूबाई वजीर जाम खान शोरो पेंे वकील शहजाद अली शाह बिन मिरफत अदालत में पहुंतो। अदालत वकील जहा दलील बुधन बाद संदस 5 लख रुपये के मचलकन एवज 4 दिन जमानत मंजूर कदे खेस 20 नवंबर से बीहर पक्की जमानत लाए अदालत में पेश थे जो हुक्म दे छो है। हलदड़ साल जनवरी में नैब सूबाई वजीर जाम खान शोरो समेत 8 जन खिलाफ 20 एकड़ सरकारी जमीन का खाता पेंे नाले कराने वो रेफरेंस दाखिल किया। इब्तदाई तौर से सूबाई वजीर समेत समूरन जवाबदार सिंध हाई कोर्ट सर्कट बेंच में पी जमानत कराई हुई। ताजो सिंध हाई कोर्ट कराची हुकुम ही हो तो जमानत का अख्तियार हाँ हिसाब अदालत मुंतकिल घुर्जन उन जमानत है हाईकोर्ट वाली वह रद्द समझी पे वही उन 4 दिन अग सूबाई वजीर सिंध हाई कोर्ट सर्कट बेंच पहुंतो उत हिफाजती जमानत वरती हुई। अज जो है उन लागापियल अदालत में पेश की पैंकी गिरफ्तारी का अगवारी जमानत मंजूर कराए छी है। जी मेहताब, इम्तियाज हैदराबाद की सिंध हाई कोर्ट बेंच हफ्ते अंदर शहर में हद दखल हटाने जो भी हुक्म दिनों है, इन जहा तफसील है? बिल्कुल मेहताब, सिंध हाई कोर्ट सर्कट बेंच शहर में हफ्ते दौरान रोड ने दुकान नाडो थे आरजी हद दखल हटाने जो हुक्म दे छो है। बुधनी थी है उन दौरान डिप्टी कमिश्नर फवाद गफार सुमरो एचएमसी के म्यूनसिपल कमिश्नर फाखर शाकिर बया अमलदार अदालत में पेश थन बुधड़ीन से जस्टिस नदीम अख्तर है जस्टिस अदनान करी मेमण से मुश्तमिल डिवीजन बेंच को ही अदालत पुछाणो कयो अमलदार अदालती हुकुम बावजूद शहर में अजा ती हद दखल छो न टाइम हुई जैसे डिप्टी कमिश्नर फवाद गफार सुमरो अदालत के आगाही दी तो अदालती हुकुम बैद मुख्तलिफ इलाकन में हद दखल दाय पट कई व्यू हैं जैसे तो शहर में आरजी हद दखल कायम थे सब मरहलो मुकमल नए थी सको। इन म्यूनसिपल कमिश्नर का भी अदालत पुछाणो किया है तो एचएमसी पारा साफ्ट इंक्रोचमेंट हटाने मुलबे खड़ में लापरवाही छो कई थी वे उन म्यूनसिपल कमिश्नर फाखिर शाकिर अदालत के बुधा तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही सब मुलबे हटाने आरजी हद दखल खिलाफ उनके कार्रवाई में ऋचण पेश अची रही इन कर महीने की मोहलत घुर्जे। अदालत तो मुलबो हटाए थला छपरा रहा ट्रैफिक पुलिस है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो कम ना लगे तो एचएमसी के समूरन अमलदार के हटाए घर भेड़ो क्यों जो बया अमलदार अची जिम्मेवारी सेो कम कर सन। अदालत म्यूनसिपल कमिश्नर का लिखत में बयान वरतो है उनमें इन एक लिखत में इकरार किया है तो हफ्ते में जो शहर में आरजी इंक्रोचमेंट है वह असो गोग 3 हफ्तों दौरान शहर में जो मुलबो पल है या गंद किचरो है वो भी साफ कराइंद गोग अदालत इन केस में मकानी खाते सेक्रेटरी और कासिमाबाद के एडमिनिस्ट्रेटर के हुक्म दिनों है तो 18 नवंबर से अदालत में रिपोर्ट समेत पेश थन। जी मेहताब, इम्तियाज खोसो, मेहरबानी तफसील बुधाने के लिए।